मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने दिव्यांगता के चलते नीट के एग्ज़ाम में पहली बार में सफलता हासिल की और जो अन्य बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल बच्चे के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर के आई है। मैं केएन गुप्ता INI सबरंग के माध्यम से इस बच्ची से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसने अपने प्रयासों से लोगों के लिए प्रेरणा बनने का काम किया है। तो आइए मिलते हैं महिमा शाह से। महिमा, स्वागत है। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको शुरुआती एजुकेशन्स में किस तरह से दिक्कतें आईं और कैसे कैसे आपने उनको फेस किया और कैसे कैसे आप आगे बढ़ते चले गए। शुरुआत में मुझे ऐसे ही ट्रेन किया था मेरे पेरेंट्स ने, ताकि मैं कभी डिसहार्टन ना हो और आग फेस करूँ सब चीज़ का। तो ऐसे ही हुआ, मैंने लेकिन करा। तो धीरे धीरे आपका कारवां आगे बढ़ता चला गया। आप जब नीट आप क्वालिफाई कर चुके हैं पहले अटेम्प्ट में, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है और किस तरह से आप और सपोर्ट चाहते हैं? नीट के लिए मैंने मेहनत की थी और मोदी जी का भी थैंक्स करना चाहूँगी कि पहले तो प्रोविजन नहीं था, उन्होंने 2 दिन के अंदर मुझको अलाउ किया और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि आप मुझे एक चांस दें तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी, और मैंने किया भी, नीट क्वालिफाई किया। जिस तरह से PMO से रिक्वेस्ट की थी महिमा ने कि आप मुझे एक चांस दे के देखिए और मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बेहतर करके दिखाऊंगी, वो महिमा ने करके दिखाया और PM मोदी से किया, वादा भी पूरा किया। महिमा, आगे क्या बनना चाहती हो, क्या आपका और लक्ष्य है और किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो? मैं एनिमल बिहेवियरिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं रिसर्च करना चाहती हूँ उनके बिहेवियर में, बिहेवियर के कारण उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस का स्टडी करना चाहती हूँ और डिजी बिहेवियर से उनके डिजीज भी डायग्नोज करना चाहती हूँ। अभी तक इसके लिए आपने कैसे ये मोटिवेशन मिला कि आपको कहाँ एनिमल बिहेवियर में कुछ काम करना है, एनिमल में रिसर्च करना है, तो इन सब चीज़ों के पीछे कहाँ से आपको पता लगा, कैसे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, कुछ बताओगे आप हमें? मैं स्टार्टिंग से ही एनिमल लवर हूँ, तो एनिमल्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे इंस्पायरेशन मिली और वही स्पीचलेस एनिमल्स, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप कि जो सपना है, आपने जो सपना देखा है एनिमल बिहेवियर बनने का और इस पर रिसर्च करने का, क्योंकि अब ये कोर्स भारत में नहीं है लेकिन हाँ इस दिशा में प्रयास जारी हैं, जल्दी ये कोर्स होगा, तो इसमें आपको किस तरह की अभी दिक्कतें आ रही हैं और अभी आगे का क्या टारगेट सेट है आपका, आगे क्या अभी प्रेजेंटली आप करना चाह रहे हो? मैं PM मोदी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे लिए ये प्रोविजन बनाए और मेरा ईयर ना खराब हो, और मैं डायरेक्टर जनरल ICR और डायरेक्टर IRR जो भी मेरे एडमिशन में इन्वॉल्व है उन सब से कहूँगी कि मुझे चांस दीजिए, मैं असेट प्रूव करके दिखाऊँगी, वेटनरी साइंस में असेट बन के दिखाऊँगी। जैसा कि महिमा आप देख रहे हैं कि अभी सही से बातचीत करने में भी उन्हें तकलीफ होती है, अपना वो व्हीलचेयर का सहारा लेते हैं और अपनी रूटीन लाइफ में भी तमाम दिक्कतों को फेस करते हुए दिन पर दिन अपने नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं। महिमा, क्या आप उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हैं जो डिसेबिलिटी को अपना बहाना बना लेते हैं और जो उसको बहाना मान के नकारात्मकता हावी कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हो आप? मैं बस यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, तो आप सब कर सकते हैं। और डिसेबिलिटी से स्टक होना ये कोई वो नहीं है, उस पर मूव ऑन कर सकते हैं,
आप फाइट करिए उस चीज़ को तो आपके इजीली हो जाएगी सारी चीज़ें। बहुत बड़ी बात कही है मैं माने कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो अपने में कॉन्फिडेंस रखें, और कॉन्फिडेंस जब होता है व्यक्ति के अंदर तो वो कुछ भी कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण खुद महिमा शाह है, जिन्होंने 12th की परीक्षा पास की, उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष किया, उसके बाद नीट के एग्ज़ाम को पास आउट करने के लिए, उसमें सॉल्विंग बिठाने के लिए उसमें काफ़ी जतन करने पड़े, पीएम मोदी को भी लिखना पड़ा और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उनकी काफ़ी मदद की। अब महिमा से जुड़े अन्य सवालात से हम बात करेंगे, उनके पिता से रूबरू होते हैं। शाह जी, जैसा कि महिमा के बारे में महिमा से भी बातचीत किया, उन्होंने कहा कि काफ़ी दिक्कतें भी आईं और नीट को क्वालिफाई करने के लिए उन्हें पहले शुरुआती दौर में दिक्कतें हो रही, तो इस सब चीज़ों को किस तरह से लेते हैं जो स्पेशल बच्चे हैं? नहीं, स्पेशल महिमा ने ही हमें मतलब काफ़ी कुछ प्रेरणा भी दी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और स्पेशल बच्चे कैसे डील किए जाने चाहिए इसका सबसे बड़ी बात है कि इनको जब इंस्पायर आप करते रहेंगे तो ये वाकई में आगे बढ़ेंगे, और इनको सोसाइटी में अभी जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो एक चीज़ हल्की सी लैकिंग दिखती है कि सोसाइटी सीरियसली इनको अभी नहीं ले पा रही है। और जब मैं जब ये इसको हाई स्कूल में इसका रजिस्ट्रेशन था, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए, और वहाँ से इसके ऑर्डर्स हुए रजिस्ट्रेशन के और कंसेशंस के, उसके बाद फिर 12th क्लास पास करने के बाद जब ये नीट का इसने एग्ज़ाम दिया तब भी इसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी का जो उन्होंने 2 दिन के अंदर इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया और इसको डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो राइटर की फैसिलिटीज़ थी वो पहले नहीं थी, तो उन्होंने स्पेशल प्रोविज़न बना के इसको राइटर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई, और उसके बाद महिमा ने उनसे प्रॉमिस भी करा था कि ये अगर मुझको आप अलाउ करते हैं तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, उसने दिखाया और वो करेगी भी आगे, मुझे इतना इसके ऊपर विश्वास है कि ये इसको सबको आगे प्रूफ करती चली जाएगी। और इस संबंध में इसके क्योंकि ये बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, ये अगर इसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये BVSC की डिग्री देता है और इसी के शहर में है, इसके बिल्कुल बगल में है, और वहाँ से ये आसानी से अपनी डिग्री पूरी कर सकती है, और जैसा कि इसने नीट क्वालिफाई करा है, हाई स्कूल में भी इसके साइंस में 90 नंबर थे और इंटरमीडिएट में भी 95 नंबर थे जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बायोलॉजी में 95 नंबर आना एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से महिमा एनिमल बिहेवियर में कुछ काम करना चाहती है, उसमें रिसर्च करना चाहती है, तो इन सब चीज़ों को लेके आप उसको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, और इन सब चीज़ों को चूंकि यहाँ कोर्स भारत में उपलब्ध नहीं है और अभी बहुत दिक्कतें हैं, तो उन सब चीज़ों को लेके आप महिमा के सपने को, विज़न को किस तरह से पूरा करने में मदद करेंगे? मैं देखिए जहाँ तक जो प्रयास मेरे बस में है मैं सब कर रहा हूँ, और अभी डायरेक्टर जनरल ICR से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने पर्सनली मुझको बुला के मेरे से इस सब महिमा के संबंध में बात करी थी, और उन्होंने कहा था जो भी हेल्प होगी मैं करूँगा, क्योंकि PMO से भी वो डायरेक्टर वो सेक्रेटरी डेयर हैं, और उस लिहाजे PMO से भी उनको डायरेक्ट करा गया कि वो इस केस को देखें, स्पेशल प्रोविजंस बनाएं इसके लिए, और उन्होंने मुझको बुला के बात करी, और उन्होंने डायरेक्टर IVRI जो कि वाइस चांसलर हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी IVRI के, उनको भी इंस्ट्रक्ट करा कि इसमें जो भी आपकी दिक्कतें हैं मुझे लिखें और मैं उन दिक्कतों से को ओवर रूल करूँगा, और जो भी प्रोविज़न बना सकते हैं महिमा के लिए बनाए एज अ स्पेशल केस, और मैं बाकी सब लोगों को सोसाइटी को भी इंश्योर करता हूँ कि एक बार अगर महिमा को चांस मिला तो ये सोसाइटी के लिए बहुत सारे माइलस्टोन अचीव करके देगी, जैसा कि स्टीफन हॉकिंस ने हमारे स्पेस साइंस को 100 साल आगे कर दिया, अगर उसको चांस नहीं मिला होता तो शायद हमारे साइंस में इतने अचीवमेंट्स नहीं हुए होते। वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ सोसाइटी से कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनके पास एक स्पेशल एंगल होता है चीज़ों को देखने का जो हमारे पास नहीं होता है, वो स्पेशल जो एंगल है उसको एक्सप्लोर सोसाइटी करे अपने बेटरमेंट के लिए। ये इस महिमा का बेटरमेंट ही नहीं होगा, ये सोसाइटी के भी बेटरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ये आगे दे सकती है, इसको अलाउ करें, अपनी एक जिसे कहने चाहिए रिस्ट्रिक्टेड सोच से हटें
और इनको प्रोविजंस बनाएं, क्योंकि जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है वो अलाउ करता है ऐसे बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए अलाउ करता है, और इनके लिए बनाया जाए जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और इनको आगे बढ़ाया जाए, ये सोसाइटी को बहुत कुछ करेंगे। और आगे जहाँ तक एनिमल बिहेवियर की बात है, BVSC अगर यहाँ से महिमा करती है और अगर ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं आता है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको अमेरिका या यूरोप भेजा जाए, क्योंकि तब तक ये बहुत कुछ अचीव कर चुकी होगी और इसको उसके अपने सब्जेक्ट के बारे में भी काफ़ी नॉलेज हो गई होगी, तो ये बाहर जाके सक्सेसफुली उस चीज़ को कर पाएगी। जिस तरह से महिमा को आज काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल हो रही हैं और नीट भी उसने पहली बार में हासिल किया और ट्वेल्थ का एग्ज़ाम भी स्मूथली अन्य बच्चों की अपेक्षा उसने कवर अप किया, इस रूटीन लाइफ में महिमा को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो महिमा की माताजी से बात करते हैं। माताजी, हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने महिमा का पालन पोषण किया है और आप बचपन से उसको देख रहे हैं, तो किस प्रकार की उसको तकलीफें आई हैं और आप किस किस चैलेंजेस को फेस करते हैं? महिमा बचपन से, हाँ, महिमा को मैं ही देख रही हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महिमा को तब होती है जब इसकी तबीयत ख़राब होती है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, तो इसको बैठने वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है तब कि कैसे, और जब इसके एग्ज़ाम्स होते हैं तब ये बीमार होती है, तब इसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं यही वाले। अच्छा, महिमा का रूटीन किस तरह का रहता है, इस विषय में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो उनके लिए आप बताएं कि महिमा का जो रूटीन लाइफ है, एजुकेशन है, किस तरह से करती हैं और किस तरह से उन्हें आप लोग सपोर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, महिमा सुबह उठ जाती, जब तक ये स्कूल जाती थी तब तो इसका बिल्कुल पंक्चुअल थी ये हर चीज़ में। अब इंटर पास हुई है जब से, थोड़ा अभी रेस्ट करती है थोड़ा, और पढ़ाई तो इसकी पहले की जैसी ही है। पढ़ाई के लिए तो ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है अपने पढ़ने के लिए, और एक्सरसाइज के लिए, पढ़ने के लिए, और सभी कुछ करती है महिमा, अपना पूरा स्ट्रगल करती है दिन भर महिमा। महिमा का छोटा भाई दीपांकर भी हमारे साथ है। दीदी के साथ कैसे मजा करते हो, क्या क्या करते हो? दीदी के साथ कभी चेस खेल लेते हैं, कभी दीदी कुछ समझ नहीं आता है तो दीदी से पूछ लेता हूँ मैं। दीदी आपको टीच भी करती है, क्या क्या सिखाती है दीदी आपको? जैसे पापा ने बताया कि आप लैपटॉप चला, दीदी चलाना सीखे, मोबाइल हैं और बाकी ये सब चलाना सिखा दी। जब मैं बहुत छोटा था तब दीदी ने ये सब सिखा दिया मेरे को, दीपांकर ये टाइप करो, ये टाइप करो, ऐसे करके सब सिखा दिया उन्होंने। दादी जी, महिमा किस तरह से बचपन से रही है आपने देखा है, और उसका कैचिंग पावर किस तरह से है, तो और उसमें क्या खूबियाँ हैं महिमा में? महिमा में तो बहुत खूबियाँ हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों को देख कर मैं जब महिमा को गाइड करती थी, पढ़ाती थी, तो इसका ब्रेन जो था बहुत शार्प था, ग्रेस्पिंग पावर इसकी बहुत बढ़िया थी। अब मैं सब समझती थी कि सब बच्चे तो लिख के प्रैक्टिस करके पढ़ के करते हैं, ये कैसे करेगी। मैंने एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना रखा था, जो मैं पढ़ाती थी मैं हेडलाइंस उसमें लिख देती थी, ये मेरे रूम में आती थी, पहले उसको पढ़ती थी और जो का तो सुना देती थी। आगे जो महिमा का सपना है कि वो एनिमल बिहेवियर बनना चाहती है, उसमें काम करना चाहती है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो पूरा करेगी, उसके अंदर एक झील है किसी काम को हाथ में ले लो तो पूरा करने की, कंपटीशन की ऐसी भावना है कि वह कभी पीछे नहीं रहती है। जो अन्य दिव्यांग बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो दिव्यांगता को सहारा बना लेते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है उसमें। तो जिस प्रकार आपने देखा कि ये पूरा परिवार महिमा को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं महिमा भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी का भी लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं दिव्यांग बच्चों को और ख़ास तौर से बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, हम भी महिमा को इसी उम्मीद के साथ बधाई देते हैं कि वो आने वाले समय में अपने सपनों को साकार करेगी और अपनी बुलंदियों को छूकर अपने परिवार का व अपने देश का नाम रोशन करेगी। अगर आप महिमा से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप हमें सवाल कर सकते हैं, और साथ ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।